उन सभी से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहले 21 दिन का और फिर ये 18 दिन का लॉकडाउन करा है। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। और उन्होंने जो करा है वो पूरी दुनिया उनका लोहा मान रही है कि उन्होंने इतना अच्छा एक्शन लिया, उससे कारण बिल्कुल थोड़ी सी जो नुकसान हुआ है भारत को, जबकि दूसरी जगह बहुत ज़्यादा जनहानि वगैरह भी हुई है। तो उनको, उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने घरों में रहें और कहीं भी गार्डन में या कहीं भी सार्वजनिक स्थान पे न निकले। जो भी व्यवस्था है सरकार की तरफ से, जो दुकानें वगैरह जो भी है आपके खाने पीने की वगैरह, उनको उन्होंने बिल्कुल नोटिफाइड करके और वहाँ पे खोल रखे हैं। आप एक एक हाथ करके वहाँ से, और एक टाइम पे नहीं जाके अलग अलग टाइम पे जाके वहाँ से डिस्टेंसिंग बना के उनको आप लें और कोशिश करें कि घर से नहीं निकलें। और आपके यहाँ सब्जियाँ वगैरह सभी डोर टू डोर ही आ रही है, तो आप उनके में सहयोग करें। जैसे ये संक्रमण जो अब आखिरी स्टेज की तरफ बढ़ रहा है, ये तो उसमें अगर अपन ज़्यादा सेफ्टी रखेंगे तो ये बिल्कुल जो विपदा आई हुई है वैश्विक, तो उससे भी अपन लड़के अपन बाहर निकलेंगे। और बिल्कुल अब जान है तो जहान है, मोदी जी ने यही बोला था, जान है तो जहान है। तो आप उनको अपने थोड़े से लाभ को वगैरह को किसी को न देखते हुए आप उसको अपने बिल्कुल सीरियस लेवें, और बाकी जितने दिन आपने 21 दिन निकालें या 18 दिन भी निकालें और घर में रहें, सुरक्षित रहें। हर्षित, ये रोड पे ऐसे घूम रहे, दुकानें इतनी खुली पड़ी है, उन पे भीड़ हो रही है, कोई दूर दूर नहीं होता, इसका भी कारण कुछ दुकानें जैसे हैं उनको भी मैंने प्रशासन को या इन पे पुलिस को भी, उनको भी फ़ोन कर दिया है कि आप इन पे सख्ती करें। उनको भी चाहिए कि इनके ऊपर बिल्कुल सख्ती करें, और करते भी हैं। बीच में SP साहब भी आए थे और डिप्टी साहब भी आए थे, और बाकायदा इनको करते हैं। और कई गाड़ियां लॉकडाउन, उन्होंने लॉकडाउन में जो भी घूमती मिली है उनको उन्होंने बंद कराया, और कई आते हैं छुड़वाने के। मैंने बोला भाई साहब ये छूट आपका, ये लॉकडाउन के बाद ही छूटेगी और आप घर से ना निकलें, और आपको कोई भी अगर समस्या आती है तो मेरे नंबर पे फ़ोन करें तो मैं आपको वो उपलब्ध कराऊंगा, अगर दवाई भी है तो आपको उपलब्ध कराऊंगा। कई जनों जैसे आए थे कि उनको हॉस्पिटल जाना है, तो मैंने थाने से उनको परमिशन भी लेके दी बाकायदा। अगर आपको दिक्कत है, रियल दिक्कत है, तो आपको उसकी भी परमिशन मिलेगी सरकार की तरफ से। 144 लागू फिर भी इसके उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, क्या मार रहे हैं? नहीं करना चाहिए, ये प्रशासन को इस पर सख्ती से काम करना चाहिए। जो भी 144 धारा का उल्लंघन करता है उस पर सख्ती से बिल्कुल आप उनको अरेस्ट करिए। आपका नाम? मोहन लालवानी, पार्षद अजय नगर से।